Hi everyone, I am Ridhima and welcome to my channel. And today we will be making a colored mandala. Again, we will be using haldi powder and kumkum powder. Yes, you heard that right. So we will not use any acrylic colors, poster colors or watercolors. We will be using haldi powder and kumkum powder. दोनों चीजों से हम 3 colors बनाने वाले हैं आज. So I will quickly tell you the materials required. You will be needing a pencil eraser, any sheet of paper. थोड़ी सी अगर thick sheet use करोगे तो ज़्यादा better रहेगा. And then you'll be needing a compass, a protractor, a ruler, painting brush, water, a craft cloth and कोई भी black pen, black sketch pen or a black pen. अगर waterproof है तो well and good. नहीं भी तो it's completely fine. So let's get started. सबसे पहले हमें अपनी शीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. मतलब हमें अपनी शीट का मिड पॉइंट फाइंड करना है. अब कंपास की हेल्प से हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. तो सबसे पहला सर्कल मैं 1.5 सेंटीमीटर का बनाऊंगी एंड देन एट अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर मैं सेकंड सर्कल बनाऊंगी. थर्ड सर्कल फिर से मैं 1 सेंटीमीटर के गैप पर बनाऊंगी. फोर्थ सर्कल भी मैं 1 सेंटीमीटर के गैप पर बनाऊंगी. एंड हमारा लास्ट सर्कल मतलब कि हमारा फिफ्थ सर्कल मैं बनाऊंगी अराउंड 1.5 सेंटीमीटर के गैप पे. बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस होना नेसेसरी नहीं है. एंड अब मैं अपने प्रोट्रैक्टर को मिडल पे रखकर पॉइंट्स मार्क करूंगी एट अ गैप ऑफ 10 लाइक दिस. ऐसे मैं दूसरी साइड भी कर लूंगी. अब मैं रूलर की हेल्प से इन पॉइंट्स को अपने सेंटर पॉइंट के साथ जॉइन कर लूंगी. अब डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो मैं इस पूरे मंडाला में पेटल्स ही बनाऊंगी पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस पे. आप एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको खुद से अपने अकॉर्डिंग पेटल्स बनाने हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं. आप देखोगे तो मैं हमारे फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल के बीच में पेटल्स बना रही हूँ एंड ग्रिड की हेल्प से बहुत ईजी हो जाता है पेटल्स बनाना या इनफैक्ट कोई भी डिज़ाइन बनाना. अब मैं थोड़ी बड़ी पेटल्स बना रही हूँ. फर्स्ट वाले जो पेटल्स थे उसमें मैंने सिर्फ एक ही सर्कल को यूज़ किया था. अब मैं बड़ी पेटल्स के लिए 2 सर्कल्स यूज़ कर रही हूँ एंड 4 ग्रिड लाइंस यूज़ कर रही हूँ. ये बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन बना सकते हैं.
अब मैं एक वाटर प्रूफ ब्लैक पेन की यूज़ करके आउटलाइन करूँगी मंडाला की। एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपके पास वाटर प्रूफ ब्लैक पेन नहीं है तो आप प्लीज़ आउटलाइन मत करना नॉर्मल ब्लैक पेन से, वरना जब हम पेंट करेंगे तो वो सारा ख़राब हो जाएगा। आप बस सिर्फ एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर लेना एंड आउटलाइनिंग आप पेंसिल से ही रहने देना। मेरे पास वाटर प्रूफ ब्लैक पेन था तो मैंने आउटलाइनिंग कर ली। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ एक्स्ट्रा लाइंस जो हमारी ग्रिड हमने जो बनाई थी बस वो इरेज कर देना एंड पेटल्स को पेंसिल के से ही रहने देना, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब हम इसमें पेंट करेंगे तो मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मतलब कि हल्दी पाउडर लूँगी और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब एक पेंटिंग ब्रश की हेल्प से मैं ये अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। अब मैं थोड़ा सा कुमकुम पाउडर लूँगी एंड उसमें वाटर ऐड करूँगी एंड अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। एंड जो अब हमारे पास ये रेड कलर आया है मैं उसको अप्लाई करूँगी हमारे मंडाला पर। अब मैं बनाऊंगी ऑरेंज कलर। उसको बनाने के लिए मैं कुमकुम पाउडर के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी तो हमारे पास ऑरेंज कलर आ जाएगा। एंड फिर जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं उसमें मैं ऑरेंज कलर कर दूंगी। अब मैं एक नॉर्मल ब्लैक स्केच पेन की हेल्प से आउटलाइन करूंगी। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिज़ाइन भी ऐड कर रही हूँ, ये एक ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपको अच्छा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसा डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आप इसको रिक्रिएट करते हैं तो डू प्लीज टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।